नमस्कार, आज हम आए हुए हैं झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा क्षेत्र में। यहाँ अपने बुल मशीन के ऑपरेटर हैं जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे बुल मशीन के बारे में। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुनील कुमार माथ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरी का। कितने सालों से आप मशीन चला रहे हैं? तो 7-8 साल से चला रहे हैं। 7-8 साल से। पहले आप कौन सी मशीन चलाते थे? पहले जेसीबी चलाते थे। जेसीबी कौन सा मॉडल? अपना 14 मॉडल। आप बुल मशीन का कौन सा मॉडल चलाते हैं? अभी तो ये अपना 23 मॉडल सुपर आसमान, और मैं तो फिर 18 मॉडल भी चलाए हैं। अच्छा, पहले का 18 मॉडल HD मॉडल। हाँ, HD मॉडल। आप बुल मशीन के को कब से चला रहे हैं? 4 साल से चला रहे हैं। डेली कितने घंटे आप मशीन चलाते हैं? 8 घंटा 9 घंटा। आपको अपने लिए मशीन में सबसे अच्छा क्या लगा? केबिन है, और उसके बाद इसमें हम ज्यादातर अंदर मतलब जितना जैसा इसका पार्टी का डिमांड रहता है वैसा काम करके हम देते हैं अपने तरफ से। और इसका ये तो ज्यादा लंबा बूम उम है, केबिन हीट होता है? केबिन हीट नहीं होता है। स्टीयरिंग लीवर ये सब नहीं, वो सब में बढ़िया, सब में बढ़िया। जेसीबी की तुलना में आप बुल मशीन को कितने घंटे ज्यादा चला सकते हैं? हम ये तो 14 घंटा से 15 घंटा तक चला दिए, लेकिन फिर भी मतलब कोई ऐसा शरीर का मतलब ये नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? इसमें आराम है ना ज्यादातर, ये मतलब अपने आप कहना चाहेंगे बुल मशीन में आराम है। हाँ। जैसे आपने बुल मशीन को चलाने में कहा का अनुभव लिया है, इसके अलावा जेसीबी को चलाना चाहेंगे? नहीं नहीं। क्यों? नहीं, हम जेसीबी में अब नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा आराम है ना। तो बुल मशीन प्रति घंटा कितना डीजल ले रही है? ये तो मतलब 4 में जा रहा है। और इस मशीन का कार्यक्षमता कैसा है, ये बुल सुपर स्मार्ट का? बढ़िया, ये अभी बढ़िया है। जेसीबी का अगर नया मॉडल में भी अभी देखने जाए ना, तो हम लोग दोनों का मना अगर रही करें तब भी ये फास्ट ही है, उससे ज्यादा काम करके दे। तो हमें और क्या करना चाहिए इस एरिया के लिए जिससे हमारी पकड़ और मजबूत हो? उसके लिए अभी तो मतलब धीरे धीरे तो बाजार बन ही रहा है हम लोग का, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करना चाहिए, क्या कुछ सुझाव? तो क्या करना चाहिए, ऐसे ठीक ठाक ही चल रहा है, धीरे धीरे अब धीरे धीरे तो पकड़ में आ ही जाएंगे। जो आपको बुल मशीन को चलाने में आराम और सुविधाएं मिल रही है, आप अपने सभी ऑपरेटर साथियों को बताएं वो सब तो बताए हैं और सब लोग तो सोच रहे हैं कि कहीं चांस मिले तो हम काम करें। अच्छा, मतलब बुल के मशीन में। हाँ। आप कितने ऑपरेटर को जानते हैं और आपके फोन में कितना ऑपरेटर का नंबर है? मेरे पास तो अभी 20-25 ऑपरेटर है। आपके फोन में नंबर सेव है? हाँ। क्या आप बुल मशीन से मिलने वाले ऑपरेटर से बेनिफिट जो होता है वो अपने ऑपरेटर को बताने में हमारी सहायता करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।